हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू अ वेरी इंटरेक्टिव सेशन गाइज. आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके क्लास टेंथ के चैप्टर 2 फायर एंड आइस पोएम को. इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो एक अमेरिकन पोएट हैं. आपने इनके द्वारा लिखा हुआ पोएम को 9th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा है, द रोड नॉट टेकन. बहुत ही फेमस पोएम है वो, और काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन करने का कोशिश उसमें भी किया था. और इस पोएम फायर एंड आइस में भी उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से चीज़ों को कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो लेसन है फायर एंड आइस, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे सिम्बॉलिक वर्ड्स का यूज़ हुआ है. जैसे कि हम देख रहे हैं दो वर्ड्स का यूज़ हुआ, फायर एंड आइस. ठीक है, सो व्हाट डज इट मीन कि यहाँ पे हम सिर्फ आग और बर्फ की बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, जो पोएट हैं इस पोएम के, वो सिंबॉलिक वे में कुछ और चीज़ों को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं और एक्सप्लेन करना चाहते हैं. ठीक है, तो हम लोग चलिए अभी इसको शुरू करते हैं. लेकिन आगे पहले बढ़ें, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पे दो वर्ड्स सिंबॉलिक वर्ड्स जो यूज हुए, फायर एंड आइस, तो यहाँ फायर मतलब जो है पोएट के अनुसार, यहाँ पे फायर का मतलब है पैशन. अब वो पैशन मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर में तीव्र इच्छा. ठीक है, अब वो पैशन किसी के ऊपर में भी हो सकता है, किसी चीज़ के ऊपर में भी हो सकता है, किसी लालच के ऊपर में पैशन हो सकता है, किसी ग्रीड के ऊपर में, हेट्रेड के ऊपर में, नफरत के ऊपर में. और जहाँ तक बात हो रही है आइस की, तो आइस का यहाँ पे जो सिंबॉलिक वर्ड यूज हुआ वो हुआ है मेनली हेट्रेड के रूप में. ठीक है, मतलब अब हेट्रेड मतलब नफरत, तो नफरत के ऊपर में. अब वैसे भी अगर हम वर्ड को देखते हैं आइस, तो आइस मतलब कहीं ना कहीं मीनिंग होता है ठंडा होना. ठीक है, मतलब ठंडा पड़ जाना, मतलब इमोशंस का मर जाना. ठीक है, जबकि फायर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि फायर का मतलब हो गया किसी भी चीज़ के ऊपर में बहुत तेज पैशन. अब पैशन सिर्फ अगर कभी पॉजिटिव वे में जाए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर पैशन कभी नेगेटिव वे में जाए तो वो बहुत गलत होता है. ठीक है, जो कि बहुत सारे केसेस में हमने देखा, जैसे कि अगर आप किसी भी, अगर हिस्ट्री में से आप किसी कैरेक्टर को उठाएं, जैसे कि सपोज आप एडोल्फ हिटलर को उठाते हैं, तो उसका पैशन था कुछ अलग रूप का. ठीक है, उसको दुनिया पे कब्जा करना था. ठीक है, तो ऐसा ही कुछ है, इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. तो चलिए हम शुरू करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा हुआ ये पोएम फायर एंड आइस. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं गाइस. अब यहाँ पे देखिए पोएट कह रहे हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. पोएट कहते हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, मतलब उनका कहने का मतलब यह है कि कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं, इस दुनिया में जितने लोग हैं अगर उनकी बात की जाए तो वो कहते हैं, उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि ये अगर संसार कभी खत्म होगा, ठीक है, अगर मान लिया जाए, ऐसा माना जाए कि कभी समाप्त होगा, कभी ये एंड होगा, तो ये किसके वजह से होगा, ये एंड होगा फायर के वजह से. फायर इन द सेंस जो अभी हमने बात किया था कि पैशन, अब वो पैशन नेगेटिव सेंस में है. ठीक है, जिद, किसी नेगेटिव चीज के ऊपर में जिद, किसी क्रोध के ऊपर में, लालच के ऊपर में, ठीक है, गुस्सा के ऊपर में. ठीक है, तो वो एक पैशन जो है उसके वजह से ये वर्ल्ड जो है वो एंड हो सकता है, ऐसा रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं. ठीक है, सम से इन आइस. अब इसके बाद में वो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये जो दुनिया है अगर खत्म होगी तो वो आइस, आइस मतलब क्या हमने वर्ड यूज किया था सिंबॉलिक वर्ड, हेट्रेड. ठीक है, उस हेट्रेड के बदले में सिंबॉलिक वर्ड यूज हो रहा है आइस. तो आइस यानी कि नफरत के वजह से भी ये दुनिया खत्म हो सकती है, मतलब नफरत ने भी इतनी ताकत है, नफरत ने भी इतनी ताकत है कि वो इस दुनिया को पूरी तरह से खत्म कर दे, समाप्त कर दे. एक पैशन में तो है ही है, यानी कि फायर में तो है ही है, लेकिन आइस में भी है. अब इस चीज में लोग बटे हुए हैं इन द सेंस कि लोगों का कहना है कि समझ लीजिए कि पूरी जो वर्ल्ड है वो दो भाग में बटा हुआ है. कुछ लोग सोचते हैं कि भाई नफरत की वजह से, यानी कि आइस की वजह से ये दुनिया खत्म हो सकती है. कुछ लोग कहते हैं कि पैशन की वजह से, ठीक है, किसी भी चीज के प्रति जो एकदम डूब जाना है, नेगेटिविटी में डूब जाना है, तो उसकी वजह से भी ये दुनिया खत्म हो सकती है. अब पोएट कहते हैं From what I have tasted of desire. अब जो पोएट हैं वो अपने व्यूज को मेंशन कर रहे हैं. ठीक है, उनका कहना है कि मैंने जितना डिजायर को, डिजायर मीन्स इच्छा, मैंने जितना इच्छा को समझा है, जितना मैंने उसको देखा है, करीब से जाना है, ठीक है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. तो मैं उन लोगों के साथ जाना चाहूंगा जो फेवर करते हैं फायर का. ठीक है, मतलब पोएट का क्या कहना है, आप फिर से एक बार समझो. पोएट का कहना है अगर कोई मुझसे पूछे, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट से, ठीक है,
तो उनके उन्होंने क्योंकि डिजायर, अब डिजायर किसमें नहीं होता, डिजायर किसमें नहीं होता, इच्छा हर किसी इंसान में होता है। अब ये अलग बात है कि वो जो इच्छा है वो किसी ने कितना दबा के रखा हुआ है, किसी ने कितना कंट्रोल्ड वे में करके रखा हुआ है, किसी ने कितना छोड़ के रखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब डिजायर जो है, इच्छा जो है, पैशन जो है, वो हम सभी में कहीं ना कहीं है, लेकिन अगर वो कंट्रोल्ड है तो वो पॉजिटिव है, लेकिन अगर वो अनकंट्रोल्ड है तो वो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव है। तो यही चीज पोएट कह रहे हैं कि अगर, तो ऐसा बात है कि जितना मैंने समझा है, मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि जितना उन्होंने समझा है उसको अगर देखा जाए तो वो उन लोगों को फेवर करना चाहेंगे जो कहते हैं कि फायर यानी कि किसी पैशन की वजह से ये दुनिया नष्ट हो जाए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने खुद देखा है, उन्होंने उस चीज को फील किया है। और फील करने का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं वो समझ चुके हैं कि ये पैशन अगर सही दिशा में है तब तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी इधर से उधर है तो वो बहुत नेगेटिव चीज को ला सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका जो पोयम है, इसका स्टैंजा वन। अब हम सेकंड स्टैंजा में चलते हैं। अब सेकंड स्टैंजा में पोएट क्या कह रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कह रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब होता है समाप्त होना, नष्ट होना। वो कहते हैं कि अगर ऐसा हो कि अगर ये पृथ्वी दो बार नष्ट हो, ठीक है, तो क्या होगा, तो वो कहते हैं आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। अब वो देखो सेकंड स्टैंजा में वो क्या कहना चाह रहे हैं कि इस दुनिया में इतनी भी बड़ी मात्रा में हेट्रेड जो है वो है मौजूद कि वो अकेले नफरत के दम पर इस दुनिया को समाप्त कर सकती है, ठीक है। मतलब नफरत में भी इतनी ताकत है, हेट्रेड में भी, आइस में भी इतनी ताकत है कि वो इस दुनिया को आराम से पूरा का पूरा खत्म कर सकती है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, वो कहते हैं कि जितना मैं जानता हूं हेट को, नफरत को, ठीक है, आइस को, जितना मैं जानता हूं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि जितना उन्होंने उसको देखा है, समझा है, जाना है, उनके हिसाब से आइस भी इतना अपने आप में है, उसके अंदर में इतना फोर्स है, इतना उसके अंदर में दबाव है, इतना उसके अंदर में कैपेसिटी है कि वो इस पृथ्वी को, इस पूरे अर्थ को, वो वर्ल्ड को, नॉट द होल वर्ल्ड मींस पूरे वर्ल्ड को वो खत्म करने का ताकत रखता है, ठीक है, एंड वुड सफाइस, मतलब ये अपने आप में पर्याप्त है। मतलब कि कवि का कहना था इस पूरे पोयम के अंदर में, कहीं ना कहीं कवि ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में आइस और फायर दोनों ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा, दोनों ही कहीं ना कहीं पूरा कंट्रोल ले चुका है इन दो चीज़ों ने, ठीक है। तो इसी वजह से इन्होंने सिम्बॉलिक वर्ड यूज़ किया, फायर और आइस, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर में पीछे में एकदम लग जाना, पैशन हो जाना, डीप पैशन, लेकिन नेगेटिव सेंस में, और कहीं ना कहीं आइस यानी कि नफरत का इतना बढ़ जाना कि वो खुद में, अपने आप में इतना बड़ा चीज़ है कि वो किसी भी चीज़ को ख़त्म कर सकता है। सो दिस इज़ द होल पोएम, ये पूरा पोएम है आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस अमेरिकन, ठीक है, पोएट हैं, और उन्होंने जितने भी पोएम्स लिखे हैं उनके पोएम को अगर आप गहराई से देखते हो तो उसके अंदर में यही चीज़ें झलकती हैं, जैसा कि द रोड नॉट टेकन जो आपके क्लास नाइन्थ में था उसमें भी ऐसा ही कुछ था, ठीक है। सो सेम कॉन्सेप्ट है, चीज़ें हैं, जब भी पोएम कुछ पोएट कुछ लिखते हैं किसी पोएम में तो वो सिम्बॉलिक वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कि द रोड नॉट टेकन में भी इसी तरह से चीज़ें थी। तो आई होप कि ये पूरा जो आपको पोएम था चैप्टर, ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। पहली बार अगर आप हमारे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस, लेक्चर्स, सेशंस, लाइव सेशंस आपसे मिस नहीं हो, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ में, हम फिर आपके लिए लाएंगे नए चैप्टर के साथ में, हम आएंगे वापस। दिस इज़ योर विशाल सर साइनिंग ऑफ, प्लीज़ स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।